यार आज हम जो है ना एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। बात है नीट फेलियोर होने पे क्या करना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी यार दूसरा चीज पे हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन जस्ट उससे पहले जो है ना हम सोशल मीडिया खोले तो इंडिपेंडेंट कोटा वाले पेज पर जो है ना एक आया न्यूज की एक लड़का सुसाइड कर लिया। क्या यार सुसाइड फाइनल डिसीजन है क्या? सुसाइड करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सुसाइड करने से आप डॉक्टर बन जाओगे? तो फिर सुसाइड क्यों कर रहे हो? पहली बात यार, फेल हुए हो तो एक चीज करना, जब भी इस तरह से माइंड में बात आए ना तो एक काम करना, एक बात बोलना अपने आप को कि अभी नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, एक बार बोल के देखना। क्योंकि ये थॉट जिस टाइम आता है ना यार, उसी टाइम ये चीज एक्सीडेंट होता है, नहीं तो हम बात कर लेते हैं, बाद में जो है ना नहीं करोगे। तो ये पहली बात याद रखना। और दूसरी बात यार, आप जो सुसाइड कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स का कभी सोचे थे? यार जिस दिन पैदा हुए थे ना, उस दिन कितना प्यार से, कितना खुश हो करके उन्होंने आपके लिए जो है ना पूरा का पूरा भोज भात कर देते हैं कि चलो यार आज जो है ना हमारे घर में बेटी आई है, तुम्हारे घर में बेटा आया है। आप डॉक्टर नहीं बन के जाओगे ना तो आपको घर वाले मार के फेंक नहीं देंगे, ठीक है? और दूसरी बात है ना कि बहुत सारे कहते हैं कि नहीं नहीं हमको तो समझ नहीं आता है। आपको पहले भी समझ नहीं आ रहा था ना, और कहां स्ट्रगल नहीं करना पड़ता यार। आज यदि हम पढ़ा रहे हैं ना तो यहां भी करना पड़ रहा है कि अभी मेरा फैन ऑफ है, हम आपके सामने हैं, बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है? तो यार स्ट्रगल सब जगह करना पड़ता है। ये मत सोचना ना कि नहीं नहीं हम तो, तुम कर लो ना मेहनत, यदि 2 साल लगे हो तो कर लो, लेकिन जब ट्वेल्थ करके जाना या ड्रॉप ले लिए हो तो ले लो, जब जाना तो एक बार घर पे बैठ के बात करना। आपके पिताजी जो है ना, आपके पेरेंट्स कभी मना नहीं करेंगे। आप दिल से तो बोलना कि पापा नहीं करना है, आप हमको करने दीजिए, हम कर सकते हैं ये चीज, आप बोलना एक बार। लेकिन यार ये डिसीजन बहुत गंदा है। एक चीज मैं लास्ट में बोल के जाता हूं कि सुसाइड जब आप करते हो ना तो एक चीज देखे होंगे कि अरे राइप उसके आत्मा को शांति दे। तो मैं सच बता रहा हूं कि आपको कि जब सुसाइड करते हैं तो मुंह से अपशब्द ही निकलता हर एक लोग के नाम मुंह से, आपको अच्छा नहीं कहता है। तो आप ये सोचो ना कि आप यदि थे तो आपके माँ बाप भी तो अच्छा कर रहे थे, आपको तो सब अच्छा कर रहे थे ना, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब आप चले जाओगे ना तो आपके माँ बाप के अलावा कोई अच्छा नहीं कहेंगे आपको, सब आपको अपशब्द ही कहेंगे। तो क्यों जाने के बाद भी अपशब्द सुनना चाह रहे? इसीलिए जो है ना अपना लगाव यार करो। नहीं यदि संभल रहा है, नहीं हो रहा है, तो घर पे कॉन्फिडेंस होकर के बात करो। पिताजी आपके हैं, आप ही के लिए वो सोच रहे हैं, तो आपका बात वो मानेंगे। एक बार बढ़िया से बात करना। थोड़ा सा तकलीफ होता है यार कि एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर के आए थे घर, दूसरा कोई जानता है ना, तो थोड़ा सा उसको भी तकलीफ होता है। लेकिन जब बाप बेटा और बेटी का बात आता है ना तो बाप भी झुक जाते हैं। इसीलिए एक बार बात करना, ये गलत डिसीजन है। मैंने इसीलिए अभी अभी वीडियो बनाया, और ना तो यार मैं कहूंगा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन ये जरूर आप जो है ना ये बात ध्यान में रखना कि जब भी सुसाइडल थॉट आए सोचना आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, तभी जो है ना, क्योंकि अभी आपके पास थॉट आया है ना, कल नहीं आएगा, कल आएगा तो फिर टाल देना, कहीं ना कहीं टालते रहो यार। ये गलत डिसीजन है, बिल्कुल गलत डिसीजन है, ठीक है? तो बढ़िया से रहिए। नहीं हुआ सिलेक्शन तो घबराना मत यार, नहीं यदि कर सकते हो ड्रॉप ले सकते हो तो घर पे बात करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। आपके पिताजी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बात मानेंगे, लेकिन ये गलत डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है? तो एकदम बढ़िया से रहिए, मस्त रहिए, दनदनाते रहिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू।